एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जिसमें मिरर लगे होते हैं एज कम्पेयर टू रिफ्रैक्टिंग जिसमें दो लेंस लगे होते हैं. आपने पहला पॉइंट लिखना है, देयर इज नो क्रोमेटिक एबरेशन इन द मिरर. लेंस में कलर के डिफेक्ट हो सकते हैं, सात रंग में लाइट बार आ सकती है, मिरर में नहीं आती कभी भी. एक फायदा है उसमें, डिफेक्ट नहीं होता. दूसरा, इफ मिरर इज पैराबोलिक इवन स्फेरिकल एबरेशन कैन बी रिमूव्ड. मिरर को पैराबोला बनाया जा सकता है, कटिंग कर सकते हो. लेंस को पैराबोला बनाना बहुत मुश्किल है, लेंस की कटिंग मुश्किल है. तो मिरर में ये डिफेक्ट को भी रिमूव किया जा सकता है. नेक्स्ट है, मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इज ईजी डिजाइन एंड इंस्टॉल. मिरर उठा के देखो हल्का होता है, शीशा ग्लास उठा के देखो भारी होता है. तो मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब जिस पर टिका होगा टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप, वो मशीनरी जो है वो वेट को कम उठाती है अगर रिफ्लेक्टिंग टाइप है. डिजाइन करना ईजी है, ठीक है, उठाना भी ईजी है. लेंसेज को डिजाइन करना और बनाना और उठाना मुश्किल है. तो मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा है उसमें रिफ्लेक्टिंग में. इट इज पॉसिबल टू हैव टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर. मिरर को अपर्चर बड़ा छोटा किया जा सकता है, लेंस का अपर्चर बड़ा छोटा करना मुश्किल है. कितने बड़े लेंस लोगे आप, लेंस बड़ा लेना मुश्किल है, मिरर लेना इजी है. ठीक, ये कुछ एडवांटेजेस इसमें लिखे हुए हैं, ये आपने करके जाने हैं.